आज प्रधानमंत्री मोदी का 73वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर आज एक बार फिर प्रधानमंत्री की डिग्री पर बहस छिड़ गई। दरअसल एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, नाम है कुणाल शुक्ला। कुणाल शुक्ला ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज 17 सितंबर को मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की बातों की तरह उनकी डिग्री भी फर्जी है। इस नकली डिग्री को लेकर प्रधानमंत्री पर देर सवेर जुर्म दर्ज होगा और उनका चुनाव शून्य घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के पास जनादेश हो सकता है पर डिग्री नहीं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने आरटीआई की प्रथम अपील के बाद भी मुझे क्यों नहीं बतलाया एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोर्स कब से शुरू किया गया था और इसके पहले एचओडी कौन थे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बतला देने से यह भंडाफोड़ हो जाता है कि जिस वर्ष में प्रधानमंत्री की डिग्री बताई जा रही है उस वर्ष वहां उस प्रकार का ना तो कोई कोर्स था और ना ही कोई एचओडी हुआ करता था। होनहार वीर्यवान छात्र नरेंद्र मोदी पिता दामोदर दास मोदी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जिस कक्षा में अध्ययनरत थे उस कक्षा के छात्रों का अटेंडेंस रजिस्टर गुजरात यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दिखला पा रही है। ऐसा कोई रजिस्टर होता तो यूनिवर्सिटी का जनसूचना अधिकारी उसे दिखलाता। गुजरात यूनिवर्सिटी ने मेरे सिर्फ एक आरटीआई आवेदन का जवाब गुजराती में दिया है कि उसे पहला कंप्यूटर दान में मिला था, उसे खरीदा नहीं गया था। कंप्यूटर दान में कब मिला, किसने दिया, ये नहीं बतलाया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये बतला देने से कंप्यूटर फॉन्ट वाली नकली डिग्री का भंडाफोड़ हो जाता। जिस वर्ष की डिग्री बताई जा रही है उस वर्ष यूनिवर्सिटी के पास कंप्यूटर ही नहीं था। प्रधानमंत्री की डिग्री पर फिर से बहस छिड़ी तो यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी। अशोक जांगीर नाम के यूजर ने लिखा, देर सवेर फर्जी डिग्री का हलफनामा चुनाव आयोग देने के कारण नरेंद्र मोदी अपराधी साबित होंगे, ये पक्का है। लेकिन मेरा एक सवाल, देश की दुर्दशा मोदी ने मित्रों से लुटवा कर जो 10 वर्षों में की, उसका नुकसान कौन भरेगा। जवाब में कुणाल शुक्ला लिखते हैं कि उस नुकसान की भरपाई अडानी अंबानी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करके किया जाएगा। जन्नत प्रीत नाम के यूजर ने लिखा कि ये कहावत भी झूठ साबित हो गई कि झूठ के पैर नहीं होते। आज झूठ 73 साल का हो गया, जहां चाय बेची वो स्टेशन नहीं मिला, जिस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की आज तक उसे स्कूल का कोई मित्र छात्र नहीं मिला। जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है डिग्री करने वाले भी इकलौते हैं, इस बैच का भी कोई छात्र नहीं मिला। चेतन नाम के यूजर लिखते हैं, शुक्ला जी जो आदमी खुद स्वीकार कर चुका है कि उसने कोई पढ़ाई लिखाई की ही नहीं है, बतौर केजरीवाल ये आदमी चौथी पास है, यहां डिग्री की बात आई कहां से। 10 साल होने को है देश का पीएम अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में देशवासियों को नहीं बता पाया, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो भी क्या सकती है। एक और यूजर है राजा हिंदुस्तानी, ये लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस, चौधरी चरण सिंह किसान दिवस, ये सबके जन्मदिन के बारे में बता रहे हैं कि किस नेता के जन्मदिन पर हम कौन सा दिवस मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समानता दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा दिवस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छात्र दिवस, नरेंद्र मोदी बेरोजगार दिवस, अपने अपने कर्मों का फल है। दोस्तों आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार।